दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के समर्थन में प्रचार करने शुक्रवार को पाटन विधानसभा के विभिन्न गांव में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से रूबरू हुए। वही ग्राम बेलारी में आयोजित नुक्कड़ सभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए भाजपा पर गौमांस बेचने वालों से चंदा लेने का गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद स्वीकार किया है कि वैक्सीन से खून का थक्का जमने की शिकायतें मिली है, लेकिन मोदी सरकार ने बिना ट्रायल के कोरोना की वैक्सीन देश की जनता को लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से सामने आया है कि इन्होंने चंदे के लिए जनता के प्राणों का भी सौदा कर लिया, बिना पूरी प्रक्रिया के वैक्सीन लगाने दी, और तो और ये लोग गौ मांस बेचने वालों से भी चंदा लेते हैं। संविधान के साथ मिले, संविधान बदलिए, मैं तो हमारा वोट रहेगी भी आपका आज समाप्त और हम सब लोग राजेश साहू बात अलग है, कांग्रेस पार्टी की भी बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात का है संविधान का रक्षा। संविधान रही तब लोकतंत्र रही, लोकतंत्र रही तब हमारे मंत्रिसभा अस्तित्व है।